Welcome back to my channel, guys. My name is Imani and you are watching First Glimpse My Baby. कैसे हैं आप सब guys? आज rainy day होने वाला है तो it's gonna be amazing. And Trishika जाने वाली है नानी house. तो हमें आज पूरा दिन मिलेगा काम करने के लिए, क्लीन करने के लिए घर को, जो कि उसके समय पे नहीं हो पाता बिकॉज जहां पे भी हम क्लीन करने जाते हैं वो वहीं पे पहुंच जाती है. तो दिस इज इट. आई होप ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा. पसंद आएगा डू हिट द लाइक बटन गाइज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद एवरी वन. स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द व्लॉग. इट्स गोना बी रेन टुडे गाइस. आई एम 100% श्योर बहुत ठंडा होने वाला है, बहुत ज़्यादा ठंडा. एंड विद इन 5 मिनट्स इट स्टार्टेड रेनिंग और ठंडा हो गया. जैसा उम्मीद था वैसे ही. तो कल त्रिशिका नानी हाउस जाएगी एंड उसको मैं कपड़े चूज करवा रही हूँ. मैं हमेशा त्रिशिका को खुद से चूज करवाती हूँ क्योंकि उससे बच्चा इंडिपेंडेंट बनना सीखता है. एंड त्रिशिका ने ये देखा भी उठा के एंड शी इज लविंग इट. त्रिशिका बी वाला पहनोगे? दिस वन. Which one? See, and what about the sweater? What about sweater? What? How you say done? No. Yes, done. So Tushika says done. Okay? Mama, चलो शो हाउ टू शी गॉट इट लाइक दिस देन दिस. नो डोंट ओपन इट नाउ. नो 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 इट्स वेरी टफ. नो 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 डोंट डू त्रिशि. ओके ऐसे एंड देन हाउ शी डिड एंड व्हाट शी डिड. ओके एंड ऐसे ऐसे ऐसे. क्लैपिंग फॉर त्रिशिका. नाउ कम इन. बस स्टार्ट इट. वो फोटो हूज फोटो? मामा फोटो. ओके त्रिशिका वांट्स टू क्लिक मामा फोटो. ओके हेलो एवरीवन. तो हम लोग बनाने जा रहे हैं सोया चिली और यहाँ पे मैंने न्यूट्रेला लिया है 1.5 कप के करीब एंड उसके बाद फिर उसको बॉयल करके अच्छे से ड्रेन कर दिया था. बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, सूखे सूखे होने चाहिए. एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पे 2 टीस्पून मिलाया है मैदा और 2 ही टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे दही मिलाऊंगी. अब मैं यहाँ पे काली मिर्च ले रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब. Then we will add 1/2 teaspoon of salt and of course hamara red chili powder, thodi si haldi rang ke liye and thoda dhaniya powder and finally hum log isme add karenge not finally but garam masala and last mein hum log isme dalenge ginger. If you love aap log isme crush karke acche se garlic bhi dal sakte ho. maine yahan pe ginger hi dala hai and isko marinate karne ke liye chhod denge jaise hum log normal paneer tikka wagera banate hain to marinate karte hain. you can put it in fridge also if you like. ab har jo temperature tha thanda tha तो इस वजह से मैंने इसको बाहर ही रखा, फ्रिज में नहीं रखा. आफ्टर मैरिनेटिंग हमको इसको फ्राई करना है. कोई भी नॉर्मल ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो उसमें यहाँ पे मैंने राइस ब्रैन ऑयल यूज़ किया है क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे वही यूज़ करते हैं. एंड उसके बाद इसको हमको निकाल लेना है. सो गाइस जो बचा हुआ ऑयल था वो मैंने निकाल दिया एंड 2 टीस्पून के करीब मैंने इसी पैन में वापस से ऑयल रखा है. एंड नाउ आई विल ऐड गार्लिक टू इट बिकॉज मैंने जब मैरिनेट किया था तब गार्लिक नहीं डाला था. अगर आप उस समय डाल रहे हैं गार्लिक तो अब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर मैंने फाइनली चॉप करके गार्लिक रखा था. यू कैन ऐड पेस्ट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट एंड साथ में मैं जिंजर पेस्ट भी दोबारा यूज़ कर रही हूँ. जिंजर से फ्लेवर बहुत आते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट जिंजर इन ईच एंड एवरी मील और काफ़ी अच्छा भी होता है फॉर डाइजेशन. तो इसको थोड़ा सा ब्राउनिश होने देंगे, बर्न नहीं करना है, जस्ट ब्राउनिश विल वर्क. एंड आफ्टर दैट आई विल ऐड अनियन टू इट.
एंड यहाँ पे मैंने चॉप करके फाइनली एक छोटा प्याज ही लिया है बिकॉज मैं बहुत कम बना रही हूँ. फ्लेवर के अकॉर्डिंग है, आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो बट एक में काम चल जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बाकी हम लोग इसमें चिली बना रहे हैं तो बड़ा साइज़ का जो क्यूब साइज्ड अनियन होता है वो भी डालेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा प्याज वर्क करता है बहुत अच्छे से. एंड आफ्टर दैट गाइस, जब ये अच्छे से सौते हो जाए और उसका जो जो कच्चापन है, रॉपन है, वो चला जाएगा, देन वी नीड टू ऐड ग्रीन कैप्सिकम इन इट. एंड फिर हम लोग इसका क्यूब अनियन भी डाल देंगे इसमें साथ के साथ ही, एंड थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे. ऋषि को भूखी लगी क्या? अब हम डालेंगे इसमें टमाटोज, एंड इसको मैंने अगैन क्यूब में कट किया है क्योंकि एक डिज़ाइन आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है. और अगर आपके पास कलर्ड कैप्सिकम है, बेल पेपर भी बोलते हैं उसको, येलो हो गया, रेड हो गया, तो वो भी डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है सब्ज़ी ये देखने में. फाइनली मसालों का नंबर आ गया, क्योंकि कैप्सिकम को हमको ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्की कच्ची चाइनीज़ में अच्छी लगती है. तो यहाँ पे मैंने डाला नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड बाद में डाला मैंने रेड चिली पाउडर, दैट इज़ अगैन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ टी स्पून में काम चल जाएगा आपका इफ़ यू लाइक स्पाइसी मोर. और अगर इससे भी ज़्यादा स्पाइसी आपको पसंद है, लाइक बहुत पसंद है, तो आप लोग इसके अंदर ब्लैक पेपर क्रश्ड अगैन डाल सकते. थोड़ा देर सॉटे करने के बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, जो कि मैंने यहाँ पे एक ढक्कन लिया है, दैट मीन्स 1 टीस्पून, एंड 1 टीस्पून के ही करीब मैं यहाँ पे डालूंगी वाइट विनीगर. फिर मैंने इसमें डाला है टमाटो सॉस, एंड अब मैं डालूंगी इसमें रेड चिली सॉस. तो इसीलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सा चिली आप लोग बाकी कम जगह पे डालेंगे, कम कम डालेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है ये, एंड क्योंकि ये रेसिपी बहुत स्पाइसी होती है तो इस वजह से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच, बहुत छोटी चम्मच है ये चीनी की. शुगर डालने से जो फ्लेवर्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं. एंड अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा शिजवान, जो अगैन बहुत स्पाइसी है बट ऑलरेडी हमने चीनी डाल दी है तो इतना ज़्यादा मिर्ची अब नहीं लगेगी. बहुत अच्छे से मिक्स करें, एंड जब आपको लगे अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे मसाले मिल गए हैं अच्छे से, फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे पानी. पानी डालने का जो हिसाब है वो यही है कि अगर आपको ग्रेवी जो है ग्रेवी वाला खाना है तो ज़्यादा पानी डालो, अगर आपको ड्राई खाना है तो कम ग्रेवी डालो, कम पानी डालो सॉरी, एंड दिस इज़ इट. और उसके बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे लिड से, सो दैट अच्छे से फ्लेवर सारी सब्जियों में चला जाए, एंड जो जो हमारी पानी है वो थोड़ा सा थिक भी हो जाए. मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ और इसको मैं लिड से बंद कर देती हूँ. हमारी सब्ज़ी रेडी है और अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया, जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखा था, एंड दैट्स इट. और हम इसको थोड़ी देर ढक के और रखेंगे ताकि सोया के अंदर भी जितना फ्लेवर्स है वो चला जाए. और बस कवर करने के बाद विद इन 2 to 3 minutes हमारा जो सब्ज़ी होगा वो रेडी हो जाएगा, एंड इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग यमी. जब इसका पानी सोख लेगा तो और भी ज़्यादा यमी लगेगी. अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद है तो जैसे मैंने पहले कहा, ज़्यादा पानी डाल लेना तो, और इसको ज़्यादा सूखने मत देना, यही इसका टिप है. दैट्स इट गाइस, तो हमारा सोया और सोया चिली रेडी हो गया बिल्कुल. त्रिशिका रेडी हो रही है जाने के लिए. ना नो त्रिशिका, नॉट इन माउथ, शो योर आउटफिट. त्रिशि कम शो योर आउटफिट. त्रिशिका जा रही है नानी हाउस. आर यू एक्साइटेड त्रिशि? हाँ, शो योर फेस हियर, से हाय टू एवरीवन. से हाय त्रिशि. हाय गाइस, से हाय गाइस. इंडियन मैच मेकर, तो पहले पूरा करती हूँ उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देती हूँ. स्टे कनेक्टेड गाइस. एक सेकंड. ठीक जाएगा ऐसे.
सारी अब पूरा ये फ्लोर हमारा गीला हो रहा है, बहुत ही बारिश है। हम लोगों ने बेडशीट वगैरह कल ही धो ली थी और बारिश तेज हो गई है, तो अब समझ नहीं आ रहा है कपड़े कैसे धुलेंगे, कैसे सूखेंगे। मैंने फोकास देखा था और बारिश दिखा रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा चलो धो देते हैं। लाइक थोड़े तो काफ़ी तो सूख भी गए हैं, तो इट्स बेस्ट पार्ट, बस थोड़ी सी धूप और लगेगा तो परफेक्ट हो जाएगा। एंड इट्स रेनिंग अगेन, बहुत तेज़ी से बारिश आ रही है। मैं तो ऋषिका जा चुके हैं नानी हाउस एज यू ऑल नो। ये कर्टन्स है मैंने अमेजोन से लिए थे एंड रियली इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि आज मैंने इस स्टाइल में किए हैं तो इस स्टाइल में भी इट इज लुकिंग अमेजिंग। ये लाइक बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं है जैसे होते हैं कर्टन्स, वो नहीं है। तो गर्मियों में आई थिंक इससे थोड़ा हो सकता है मुझको डार्कर लेना पड़े, डार्कर या फिर थोड़ा सा मोटा लेना पड़े, बट फिलहाल इट इज डूइंग इट्स वर्क परफेक्टली। एंड सी हाउ ब्यूटिफुल दे आर लुकिंग, कितना ट्रांजिएंट, लाइक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो कोई चाह रहा है तो लिनन वाले हैं ये अमेजोन पे, इनका क्वालिटी इज़ ऑल्सो सुपर गुड, तो आप इनको चूज कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय फ्रॉम अमेजोन कर्टन्स को। सी बहुत प्यारे हैं। राहुल इज बैक ओके, जिसमें मैं घर दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि वहाँ से जब राहुल आया करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाया करूँगी, और आज मैं वही देख रही हूँ कि राहुल आ रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ डेजा वो, बिकॉज तब मैं प्लान करी थी, सोचते थे हम लोग के घर में हम आ जाएंगे, जब घर में आ गए तो बहुत अच्छा लगता है। एंड चलिए वेलकम करते हैं राहुल का, क्योंकि राहुल आ गए। बारिश रुक गई है गाइस, बट ठंडा बहुत है। एंड मैंने पूरा का पूरा इंडियन मैच मेकिंग निपटा दिया, लाइक पूरे प्रॉपर वाला, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मेरे बालों में ऑयल लग रखा है कल से ही, आज मेरे को धोने थे बट मौसम सही नहीं था तो मैंने धोए नहीं है, बट ऑयल इज़ ऑल्सो गुड बालों के लिए। और साथ ही साथ मुझे ये वाले जो कपड़े हैं स्वान, इसको फोल्ड करके रखना है। और साथ में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्लीनिंग करा है, मैक्सिमम क्लीनिंग ऐसी है जो इंटरनल क्लीनिंग है, जो आपको नहीं समझ आएगी तो मैं इसलिए दिखा नहीं रहूँ। लाइक राइस कुकर हटा के वहाँ से शेल्फ पे रखा हुआ था तो वो हटा दिया है, और बोर्ड्स थे, बोर्ड के ऊपर स्टिकर्स थे वो हट गए हैं, और ऊपर जो सामान था वो जो कबर्ड्स के ऊपर सामान था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कबर्ड के ऊपर एक भी सामान रखना। जब आपके पास स्पेस नहीं होती तब तो इट्स ओके, बट अगर आपके पास स्पेस है तो वाई टू पुट स्टफ ऑन कबर्ड गाइस। वॉशरूम इज नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट तब तक के लिए परफेक्ट है जब तक कृषिका वापस नहीं आ जाती। एज सून एज शी विल बी बैक, हमारा जो घर है वो वापस से वैसा ही हो जाएगा। बट चंद घंटों के लिए भी अगर हमारा घर क्लीन रह रहा है तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज ऐसा बहुत रेयर होता है कृषिका के रहते हुए, विच इज गुड ऑल्सो, बिकॉज काफी साल जब कृषिका नहीं थी हमारे घर बिल्कुल खराब ही नहीं होता था। एंड जब से त्रिशिका है, जब से त्रिशिका चलने लग गई है और शी हैज स्टार्टेड थ्रोइंग स्टफ्स, तब से हमारा घर बहुत बहुत ही ज्यादा डर्टी रहता है, मेस्ट रहता है। इट्स गुड क्योंकि बच्चे होंगे तो खराब करेंगे ही, बट ये जो थोड़े टाइम का क्लीन रहता है वो जो सुकून मिलता है ना गाइज, बिलीव मी इट्स अमेजिंग। एंड दिस इज इट, व्लॉग एंड हो गया है, ये इट्स ममाज लाइफ पे व्लॉग आ रहा है, तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड फर्स्ट कम्स माई बेबी ये व्लॉग, डू वॉच। एंड अगर आप वहाँ व्लॉग नहीं देखते हैं यहाँ देखते हैं, या यहाँ नहीं देखते हैं वहाँ देखते हैं, तो दोनों जगह देखिए, बिकॉज दोनों जगह मैं इक्वली इंपॉर्टेंट व्लॉग्स डाल रही हूँ। एंड स्टे कनेक्टेड गाइज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद एवरी वन, एंड स्टे कनेक्टेड एंड बाय।